हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बोंग तड़का रेसिपी। पास्ता खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजेदार रेसिपी, वेज चीज पास्ता। आज का रेसिपी हम 10 मिनट में बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने फुसिली पास्ता लिए है। आप कोई भी इंस्टेंट पास्ता ले सकते हो। एक बर्तन में थोड़ा नमक, थोड़ा तेल और 2 ग्लास पानी में 1 पैकेट पास्ता बॉईल करेंगे। स्ट्रेन करके पास्ता से पानी अलग कर लेंगे। ध्यान रहे, पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है। अभी हमने कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स को लंबे लंबे यानी जुलियन शेप में काट लेंगे। हमने गाजर, कैप्सिकम, प्याज और आलू लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से सब्जियां चूज करें। अभी एक कढ़ाई या पैन गरम कर लेंगे, फिर उसमें 1 छोटी चम्मच तेल और थोड़ा बटर गरम करेंगे। सिर्फ बटर डालने पे बटर जल सकता है, इसलिए हमने थोड़ा तेल का यूज किए हैं। आप घी का भी यूज कर सकते हो। अभी कटे हुए सब्जियां ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम में सेट कर देंगे। 2 से 3 मिनट स्टर करते हुए फ्राई करेंगे। एक साबुत हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप ग्रीन चिल्ली चॉप करके भी डाल सकते हो। पास्ता बॉयल करने के बाद जो पानी स्ट्रेन किए थे उसमें से 1 कप पानी ऐड करेंगे। इंस्टेंट पास्ताज में 1 पैकेट मसाला देते हैं, उसमें से 1/2 मसाला ऐड करेंगे। इस मसाला में नमक पहले से ही एडेड है, प्लस हमने जो पास्ता वाटर ऐड किए थे उसमें भी नमक था, इसलिए हम अलग से नमक ऐड नहीं करेंगे। 1 चुटकी चीनी जरूर ऐड करेंगे। 1 मिनट स्टर करते हुए पकाएंगे और कढ़ाई को कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। हमारा सब्जियां पक चुका है। इस पॉइंट पे बॉयल्ड फुसिली पास्ता ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे बचा हुआ पास्ता मसाला। ध्यान रहे, हमें वेजिस को ओवर कुक नहीं करना है। वेजिस थोड़ा क्रंची रहे तो बेटर है। 1.5 से 2 मिनट मीडियम आंच पे स्टर फ्राई करेंगे। अभी ऐड करेंगे 1 चीज स्लाइस, ऑरेगानो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स हमारे पिज्जा और पास्ता को एक अर्थी और स्वीट एरोमा देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे 1 छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। 1 मिनट के लिए स्टर करते हुए पकाएंगे सो दैट चीज मेल्ट होके अच्छा से मिल जाए। अब हमारा गर्मा गर्म वेज चीज पास्ता इज रेडी फॉर सर्विंग। आप इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको सर्व कर सकते हो। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इसका टेस्ट का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खाते रहें और खिलाते रहें। थैंक यू।